ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजू सचदेवा ने, जिसमें उसने साफ किया है, आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के कृष्णानगर से विधायक एसके बग्गा पर कि उन्होंने राजू सचदेवा से पैसे की मांग की एमसीडी टिकट के बदले। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू सचदेवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ एसके बग्गा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजू का रुख करेंगे। राजू, आपके क्या कुछ आरोप हैं? सर, एसके बग्गा जी ने मेरे से कई बार 21,000, 31,000, 25,000 की राशि कई बार ली है और एसके बग्गा जी ने मुझसे बुलाया घर पे कि मेरे को 2,00,000 रुपए दे। मैंने कहा बग्गा जी हल्का हाथ रख लो। बग्गा जी ने कहा भाई, एक दिन फोन आया कि राजू 1,00,000 रुपए कर दे। तो मैंने बग्गा जी से कहा, बग्गा जी ऐसा है पैसे कम है मेरे पास, इतने का जुगाड़ नहीं है, हल्का हाथ रख लो। तो बग्गा जी बोले चल एक काम कर, तू 90,000 रुपए दे दे। मैंने कहा बग्गा जी 10,000 और क्या फर्क, 90 में और 10,00,000 में क्या अंतर रह गया। तो बग्गा जी बोले चलो 80,000 रुपए दे दे। इसकी सारी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। बग्गा जी ने बोले अभी आगे चुनाव इतना बड़ा लड़ेगा निगम का, तो अभी से तेरी हालत है तो आगे चुनाव कैसे लड़ेगा। मुझे सीएम साहब ने बोला हुआ है, उसकी बात नहीं करने दूंगा, तू मेरे को पैसे का जुगाड़ करके दे। मैंने कहा सर हल्का हाथ रख लो। मैंने काफी दफा कहा बग्गा जी से कि बग्गा जी हल्का हाथ रख लीजिए, बग्गा जी हल्का हाथ रख लीजिए, बग्गा जी नहीं दे, करवा दे पैसे, दे भिजवाने हैं मेरे को, दे पैसे भिजवा, जल्दी भिजवा मेरे को, दे पैसे चाहिए। काफी दफा लगे रहे बग्गा जी। मैंने बहुत दफा बग्गा जी से कहा बग्गा जी हल्का हाथ रखो, बग्गा जी हल्का हाथ रखो, बग्गा जी अब पीछे। एसके बग्गा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, एसके बग्गा से बात करेंगे। बग्गा साहब, आपके ऊपर साफ साफ आरोप लगाए हैं, राजू सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन आरोपों का क्या कुछ कहना है आप? मैंने क्लिप दी है आपको, क्लिप को देखिएगा। ये तुम्हारे यहाँ पर 26 अगस्त 2015 को एक हादसा हो गया था, गुरुद्वारे में एक लड़की मर गई थी छत गिरने से। तो छत गिरने से लड़की जब मरी तो वहाँ भी इतना रोल था, वहाँ पर बॉम्ब इंडियन को 2,30,000 का अवार्ड पास किया, तो वो लोग बड़े नाराज थे। क्रिमिनेशन जिस दिन नेक्स्ट होनी थी तो 4,00,000 रुपए का मैंने उनको वादा किया कि मैं आपकी मदद करवा दूंगा, तो वो लोग मान गए। मंत्री जी के वहाँ पर चैम्बर में संदीप कुमार जी थे और मेरे जी। अपनी बात पूरी कीजिए। एसके बग्गा बात कर रहे थे लेकिन अभी उनका फोन कट गया है, फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे, एसके बग्गा को जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, एसके बग्गा को सुना आपने, वो साफ इनकार कर रहे हैं कि एक मदद के लिए उन्होंने आपसे पैसे लिए थे, ना कि एमसीडी के बदले टिकट दिलाने के लिए। सर जी, ये कभी किसी के नाम पे दे दे, कभी किसी के नाम पे दे दे, मेरे से पैसे मांगने क्या मतलब है? मैंने 21,000, 11,000 तो 25,000 मैंने कई दफा दिए हैं। कभी झूठे से लगा देते थे मेरे को वहां देने हैं, कभी वहां देने हैं, मैं पैसे कहां से लाके दूं इनको? मैंने जब लाके नहीं दिए तो बग्गा जी ने मुझे अपना बड़ा ही रूख का व्यवहार करा। मेरे से एक दिन कहते हैं अरविंद केजरीवाल को तेरे दिवाली मेले में बुला देता हूँ, प्रोग्राम कर ले। जब अरविंद केजरीवाल जी को आना था, इन्होंने 5 तारीख को मेरे घर पे अपने बुलाया कि तूने मेरे को 1,00,000 रुपए नहीं दिए, अब 5,00,000 रुपए देगा जब अरविंद केजरीवाल को मैं तेरे प्रोग्राम में बुला के लाऊंगा। हम बहुत से आरडब्ल्यू वाले गए वहां पे और हमने बग्गा जी से बोला कि बग्गा जी ऐसा है, ऐसा मत करो। तो मुझसे कह रहा तू निगम का इतना बड़ा चुनाव लड़ेगा, तो अभी से ही हालत हुई पड़ी है। सभी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है मेरी और बग्गा जी की जो बात हुई है। बग्गा साहब हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर जुड़ गए हैं। आप पर यही आरोप लग रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए जिस पर आप ये जवाब दे रहे थे। सर, मैं आपको बता रहा था ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, चिट रहे हैं। आप 25-28 अगस्त का आशा है, 26-28 का मेरे इलाके में एक 9 ब्लॉक में गुरुद्वारा गिर गया था, गुरुद्वारे की छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, उसकी पूरी फैमिली इंजर्ड हो गई। उन लोगों का नेक्स्ट क्रिमिनेशन करना था तो वो लोग काफी नाराज थे, तो मैं नेक्स्ट डे लेकर आया अपने संदीप मिनिस्टर को और मेरे साथ थे आपके सरदार जी, जनरल सिंह जी, MLA। तो जब देखा माहौल बड़ा खराब था, उन्होंने कहा कि हम ये 2,63,000 का अवार्ड किया था देने के लिए, गवर्नमेंट ने वादा किया भी हम देंगे, उन्होंने क्लेम लेने से मना कर दिया। उनको वहाँ सेफ्टियर ले गए, वहाँ बात हुई उनसे, तो 4,00,000 का मैंने वादा किया था उनको देने के लिए कि 4,00,000 आपको देंगे हम इकट्ठा करके। तो 2,00,000 राज्य ने कहा था मैं इकट्ठा करूंगा, अब ये मुकर रहा है, इसने फोन टेप किया हुआ मेरा कि 2,00,000 की बात हुई थी, मैं 2,00,000 भेजो मेरे को, कहते मेरा काम नहीं है, मेरा कम कर लो। बैठना दफ्तर के साथ एक कमरा है जहाँ पे ये मैच और जुआ खिलवाता है, यहाँ पे मुझे से बैठना बंद किया था और मेरे नाम के जेल से पैसे खाता रहा बिल्डिंग में, लोगों ने बताया मेरे को इसका कैरेक्टर ऐसा है और ये चीटर है बिल्कुल। मैंने इसकी कंप्लेंटें भी दोनों कर रखी है, 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके साथ
राजू आपके ऊपर साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक दूसरी बातचीत के लिए उन्होंने आपसे पैसे मांगे थे और आप उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरी तरीके से पेश कर रहे हैं। सर ऐसा है, आप बिल्कुल आप मैं फोन की जो मेरी क्लिपिंग है आप मैं देख सुन सकते हैं, उसमें बग्गा जी ने साफ कहा है कि तू सीएम है, मेरे को सीएम ने बोला है तू जेई से बात कर ले, जेई से पैसे ला के दे मेरे को पैसे चाहिए। और रही बात उसकी, ये कहते हैं कि मेरे पे जो गलत आरोप लगा रहे हैं, बग्गा जी को जिस दिन से मैंने पैसे नहीं दिए उस दिन से बग्गा जी मेरे ऑफिस में 231 वार्ड का मेरे ऑफिस खोल रखा था बग्गा जी ने, हर वीरवार को यहाँ बैठते थे। जिस दिन से मैंने इनको पैसे देने के लिए मना करा है और उस दिन से मेरे ऑफिस पे आने उन्होंने बंद कर दिया है जी, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे पे। मैं एक साईं भगत सभा की मेरी अपनी संस्था है, मैं निःशुल्क एम्बुलेंस सर्विस चलाता हूँ, लड़कियों की शादियां करना, गरीबों को संस्कार करना। आप कह रहे हैं कि आपने आपने बग्गा साहब को पहले भी पैसे दिए हैं, किस चीज के वो पैसे दिए? कभी मेरे से मांग लेते थे निगम पार्षद का चुनाव लड़ना है, को मैं टिकट दिलाऊंगा निगम पार्षद जी। बग्गा साहब बोलिए, हम सुन रहे हैं। मना कब किया, डेट पता करिए, क्लिप कौन सी डेट है? हेलो सर जी, आप बोलिए। मेरी इसकी सारी फोन में बात है, अगर आप बात मेरा फोन रिकॉर्ड सुनेंगे इनकी, हेलो हर एक बात रिकॉर्ड जी। बग्गा साहब हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हेलो जी बग्गा साहब बोलिए। फोन में रिपीट है, आप इनकी रिकॉर्ड दे दे, कभी कावर के लिए दे दे, कभी उसके लिए दिए। हम एक आम नागरिक है, हम सेवा कर सकते हैं, पैसा कहां से ला के दे बग्गा जी को इतना? आप ये बताइए राजू की जो आपने बग्गा जी को पैसे दिए हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैंने कई बार उसको पैसे दिए हैं, सबूत है आपके पास कोई उन पैसों का? ये खुद कैश लेते थे मेरे से। अच्छा मैंने बग्गा जी से जो कहा कि बग्गा जी मैंने आपको 11,000 21,000 25,000 कई दफा दिए हैं, बग्गा जी ने कबूल करा कि सारे मेरे खाते में लिख दे। मैंने बग्गा जी आपके खाते में लिख दूं तो बग्गा जी कह रहे हैं हाँ जो तू मेरे को दे रहा है तो सारे मेरे खाते में तो लिख रहा है, तो सारे मेरे खाते में लिख दे। अब एक काम कर, तू मेरे को 1,00,000 रुपए दे दे। मैंने कहा बग्गा जी हाथ रख लो, चल एक काम कर 10,000 रुपए कम दे दे। मैंने कहा बग्गा जी 90,000 और 1,00,000 में क्या अंतर है क्या? तो बग्गा जी बोले चल एक काम कर तू 80,000 रुपए दे दे, तेरे को 20,000 रुपए की रैप कर दी है। लेकिन राजू इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि ये जो पैसे आप दे रहे थे वो टिकट के लिए दे रहे थे, एमसीडी के चुनाव में टिकट लेने के लिए आप ये पैसे दे रहे थे? क्योंकि साफ तौर पर बग्गा ने कहा है कि किसी और चीज के लिए वो पैसे ले रहे थे। ये बार बार मुझे फोन पे यही कहते थे, इतना बड़ा तू निगम का चुनाव लड़ेगा, अभी इसी तरह ये हाल है, आगे तू क्या करेगा, तेरे को चुनाव लड़ने हैं, पैसे तेरे को खर्च करने पड़ेंगे। आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए राजू, क्योंकि हमें आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं सुनाई पड़ रही है, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दीजिए जी। बग्गा आप पर ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि बग्गा ने जो पैसे आपसे लिए, जो 2,00,000 रुपए की भी वो मांग कर रहे थे, वो एक सोशल वर्क के लिए वो मांग कर रहे थे, जिसका मामला जो है वो संज्ञान में था मुख्यमंत्री के। सर, मैं और आप ये कह रहे हैं कि वो पैसे की मांग एमसीडी के टिकट के बदले कर रहे थे? सर मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पैसे उनको कहाँ से दूं? सर मेरे पास मांगने का क्या मतलब है उनका? एक आम आदमी से बताओ, हम उस कार्यकर्ता बग्गा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। बग्गा साहब बताइए आप क्या कह रहे थे? सर ऐसा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, और ये आप वो क्लिप देखेंगे उसमें क्लियर है सारा, ये बिल्कुल चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, और ये बिल्कुल आप उसका कैरेक्टर देखिए क्या है वहाँ पे, जो बात है वहाँ पे अपने उसमें लोगों ने कहा मेरे को ठीक है मान लेते हैं झूठ बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि राजू सचदेवा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राजू सचदेवा ने स्टिंग जारी किया है, ये कह रहे हैं कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी से तू पैसे नहीं दे पा रहा है, आगे जाके चुनाव क्या लड़ेगा, ये लाइन समझ में नहीं आई। सर देखिए ऐसा है कि आप दूसरी जो वो दिखाई भेजिए क्लिप देखिएगा, ये तोड़ मटोड़ कर रहा है और मैंने इसकी कंप्लेन कर रखी है 6 को भी और 7 को भी, और डिफामेशन का भी केस फाइल करूंगा मैं जैसे ये कर रहे हैं। तो आप ये अगर आप झूठा है सर, बिल्कुल झूठा है ये, आप एरिया में जाके पूछेगा इसके बग्गा, इसके बग्गा साहब अगर आप जो पैसे ले रहे थे पैसे कम किए हैं, मैंने मना किया, आप इसकी कैसर की जो वो डेट है वो डेट देखिए कौन सी डेट है सर, वो डेट देखो आप, और एक महीना मैंने पहले बंद कर दिया इसलिए जो लोगों ने बताया। चलिए डेट मान लेते हैं, चलिए पुरानी कोई पुरानी टेप दी होगी मान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं, अगर पुरानी भी दी है तो उसमें अगर जो ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये कहने की क्या जरूरत थी कि तू अभी पैसे नहीं दे पा रहा है, आगे चल के चुनाव क्या लड़ेगा, ये कुछ लाइन समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं आपको सभी परिस्थितियों में दर्शाती है, कुछ ना कुछ दाल निकाला है। क्या कहे, 4,00,000 वहां दिए मैंने, एफडीआर की कॉपी मेरे पास है, वहां का रिटर्न मेरे पास है, 2,00,000 से वादा किया था देने के लिए, पैसा एक नहीं दिया इसने, और ये उसको बनावट करके सीएम नहीं आए तो ये उस चीज का ये कर रहा है कि उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा है, बदले की मांगने से काम कर रहे हैं ये, तो ये जो ठीक नहीं लगता
बदले की भावना से काम करना और किसी को ऐसे बदनाम करना बिल्कुल गलत है। इसके आरोप सारे सरासर बिल्कुल गलत है इसके आरोप। राजू जवाब दीजिए। जी सर, सर ऐसा है देखो, हम एक आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन की थी, एक निस्वार्थ निष्काम पार्टी है, बिना लालची की पार्टी है। एक कार्यकर्ता से अभी ये 2 लाख का डिमांड कर रहे हैं, 1 लाख का डिमांड कर रहे हैं, इनको 80,000-90,000 हम कहां से दें? हम अपने घर परिवार चलाएंगे या इनकी सेवा करेंगे? इनका राइट क्या बनता है मुझसे मांगने का? इनकी पूरी ही पूरी क्लिपिंग मेरे फोन में अवेलेबल है, आप सब चेक कर सकते हैं, आप तो रोज एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मुझसे पैसे का दबाव बढ़ाते रहे, जब मैंने इनको पैसे नहीं दिए इनको तो इनको इन्होंने मेरे ऑफिस में बैठना बंद कर दिया। बार बार ये कहते हैं तूने पैसे, तो आप देखता हूँ तो चुनाव कैसे लड़ता है। अगर मैंने चुनाव मेरे को हमने इस पार्टी में इसलिए जुड़े थे कि ये बिल्कुल निस्वार्थ पार्टी है, बिल्कुल लालची पार्टी नहीं है। एस के बग्गा जी ने जैसे मुझे शिकार बना रखा है, ऐसे हमारे विधानसभा में कई उसे शिकार बना रखा होगा बग्गा जी ने। हेलो जी, एस के बग्गा साहब जवाब दीजिए। सर इससे पूछिएगा कि इतना रुपए लाल रहा है, ये लोगों को दिखा रहा है, क्या काम क्या करता है, कितनी इनकम रिटर्न भरता है, ये क्या व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम? हेलो जवाब दीजिए राजू। सर इसे तबाही में जा रखी है, इतना पैसा खर्च कर दिया लोगों को, पार्टी दे रहे हैं, लोगों के घर मिठाई के डिब्बे भेज रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहा है रोज का, ये कहां से ला रहा है पैसा? ये इनको पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने काम कर रहा हूँ, उनको पैसा दे दू तो सही है, इनको पैसा दे दू तो ठीक है, नहीं तो तू बर्बाद कर रहा है। मैं अपने अपने संस्था के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी संस्था आरडब्ल्यू वाले सब हम मिलकर क्या कर रहे हैं, उसकी ठेकेदार इसकी थोड़ी है सर। ये विधायक है, अपना विधायक का काम होगा सेवा करना, ना कि लोगों को टॉर्चर करना, 1,00,000 रुपए दे दे, 90,000 दे दे, 80,000 दे दे लोगों को। जी राजू आपके पास वापस लौटेंगे, एसके बग्गा साहब आपके पास भी वापस लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप हम रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक।